हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन क्लास टेंथ के लिए है जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम दे दिया, यानी कि पास आउट हो गए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो तो अगर आप आए हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, चलिए देखता हूँ क्या आर्टिकल है पेपर में। जी हाँ, यही आर्टिकल है। 10 तारीख को ये आर्टिकल पेपर में छपी थी दैनिक भास्कर वाला में, ठीक है ना। बताया जा रहा कि मैट्रिक की स्क्रूटनी जो हुई थी, स्क्रूटनी की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके लिए है ना शुरू हो गई है प्रक्रिया, मतलब उस पर काम होना शुरू हो गया, कॉपी वगैरह चेक करना शुरू हो गया। अब 15 जून तक ये काम चलेगा। तो आज कितना तारीख है, आज लास्ट है, मतलब आज काम खत्म होने वाला है। शुरू हो रहा है 11 तारीख से शुरू था और 15 तक लास्ट, तो आज 15 है, आज लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ते क्या बोलते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन स्क्रूटनी का परीक्षा अभी जारी नहीं कर दिया किया है। तो बोला जा रहा है कि बोर्ड प्रशासन ने 11 से 15 जून के बीच जो है स्क्रूटनी का कार्य समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मूल्यांकन सह परीक्षा केंद्र निदेशकों को तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड प्रशासन ने सभी केंद्र निदेशकों को पत्र लिखकर कहा कि जिन विद्यार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है उनके बार कोड, बैग नंबर, विषय की सूची ईमेल से उपलब्ध कराई जा रही है। बोर्ड प्रशासन ने निर्देश दिया है कि स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थी के अंक बढ़ सकते हैं या तो फिर घट सकते हैं, है ना, वो आपको डिपेंड करता है कॉपी पर। लेकिन स्क्रूटनी में किसी हाल में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है पुनर्मूल्यांकन, मतलब जिस तरह से एक एक क्वेश्चन को चेक करना पढ़ना ये नहीं होगा, ठीक है ना। स्क्रूटनी का जो फॉर्म भरें वो कान खोल के सुन लीजिए। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने अगर स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लिखे, ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ फर्स्ट में चेक हुआ है नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन स्क्रूटनी में ऐसा चेक नहीं होगा। बस देखा यह जाएगा कि आपका नंबर जो 2 नंबर मिला था तो फ्रंट पेज ऊपर वाला पेज में जो टोटल नंबर ऐड किया जाता है वहां पे आपका 2 नंबर वाला ऐड हुआ कि नहीं हुआ वो देखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब अंदर वाला नंबर जोड़ा जाएगा, गिना जाएगा और ऊपर में जो फ्रंट पेज में जो लिखा हुआ उसको भी काउंट किया जाएगा। यहां पे इस तरीके से बताया जा रही है। देखिए यहां पे बोला जा रहा स्क्रूटनी के दौरान यदि अंदर के पेज के अंक मुख्य पेज पर अंकित नहीं होंगे तो उनमें सुधार किया जाएगा। इसके साथ जो अंक परीक्षार्थी को मिले हैं उन्हें जोड़ने कोई ऐसा उत्तर है जिसका मूल्यांकन में कोई गलती हुई है तो उसको सही करेगा। यानी कि अगर कोई सवाल लिखा है ना और उसको मूल्यांकन नहीं मिला है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जा रहा उसका उत्तर नहीं हुआ तो उसका मूल्यांकन अंकों को सुधार होगा। मतलब अगर अंक 5 नंबर का है आपको मिला नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। या सवाल लिखे हैं और उसमें उसका उस क्वेश्चन को जांच ही नहीं किया गया है, अगर 5 नंबर का आप सवाल लिखें और वो सवाल जांच नहीं किया गया तो उस सवाल पर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जिस हिसाब से हो वो चेक करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, बैठा दिया जाएगा। तो 15 तक लास्ट हो गया और इंटर का तो स्क्रूटनी आ गया रिजल्ट आपको पता है, तो अब मैट्रिक का भी स्क्रूटनी का रिजल्ट आज के बाद जब भी आ जाए। ओके, उम्मीद है कि मैट्रिक के बाद ये वाला स्क्रूटनी जो है बस 15 के बाद जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से लग रहा है ऐसा कि जो मार्कशीट है वो आने में शायद देर हो रही है, हो सकता है मार्कशीट में स्क्रूटनी का रिजल्ट नंबर जिसका बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा उस घट के आ जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करना हमको आज के बाद, देखते हैं कब इन्फॉर्मेशन आता है। जब भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे पास आएगा मैं आपको जल्दी से फटाफट शेयर कर दूंगा। ओके, वीडियो को लास्ट करता हूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।